कैसे 90 सेकंड के अंदर हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, किस प्रकार अच्छे रिलेशन बनाकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस शेयर कर रहे हैं, जिनमें आप जानेंगे कि किस तरह हम आकर्षक बन सकते हैं, किस तरह आप किसी भी अनजान पर्सन से 90 सेकंड से भी कम टाइम में बात कर सकते हैं, सामने वाले से अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर किसी को अपनी बुक पब्लिश करानी है और प्रमोशन करानी है तो कॉन्टैक्ट करें। इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस। बॉन्डिंग विद अदर्स। जब से मानव जाति का विकास हुआ है तब से हम कम्युनिटी में रहने के लाभ जानते हैं। इनिशियली हम सब एक साथ मिलकर शिकार करते थे और खाने की तलाश करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अकेले अकेले शिकार करने और काम करने के बजाय एक ग्रुप में बेहतर तरीके से काम कर सकते थे। दूसरों के साथ जुड़ने और एकजुट होने की यह गहरी इच्छा अभी भी हमारे साथ है। हम हमेशा दूसरों से मिलना और लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं, फिर चाहे वह कोई त्यौहार हो या कोई पार्टी हो। यह ह्यूमन बीइंग का नेचुरल स्वभाव है। और बस ऐसा नहीं है कि यह हमारा नेचुरल स्वभाव है, इसलिए हम लोगों के साथ जुड़ते हैं या हमें लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, बल्कि लोगों के साथ जुड़ना हमारे हेल्थ और सिक्योरिटी के लिए भी बहुत लाभदायक है। ऑथर कहते हैं कि जो लोग दूसरों से मिलजुल कर रहते हैं और लोगों से अच्छे रिलेशन रखते हैं, उन लोगों की उम्र ज़्यादा लंबी होती है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस की प्रोफेसर डॉक्टर लीसा बार्टमैन ने 7,000 लोगों के एक ग्रुप की 9 सालों तक स्टडी की। उनकी रिसर्च से यह पता चला कि जिन लोगों के रिलेशन दूसरों से अच्छे नहीं होते और जो लोग किसी ग्रुप के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते, उन लोगों की किसी बीमारी से मरने की संभावना उनकी तुलना में 3 गुना ज़्यादा होती है। जिनके रिलेशन दूसरों से अच्छे होते हैं और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन लोगों के साथ जुड़ने और नए दोस्त बनाने के लाभ केवल लंबी उम्र तक ही सीमित नहीं है। अच्छे रिलेशन लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। आप लाइफ में जो भी सपने देखते हैं, चाहे वह एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छा पार्टनर हो या किसी अच्छी जगह घूमना हो, यदि दूसरों के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। जैसे कि आपको अपने दोस्त से किसी अच्छी नौकरी के बारे में पता चल सकता है, या फिर यदि आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके दोस्त की पहचान के कारण आपको किसी होटल में डिस्काउंट मिल जाए। तो दोस्तों, लोगों से जुड़ने के फायदे तो हम लोगों ने जान लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों से जुड़ना आसान है। वास्तव में यदि आपका और सामने वाले का कोई मिलता जुलता इंटरेस्ट ना हो, नए लोगों से जुड़ना काफ़ी कठिन हो सकता है। जब भी आप किसी से भी मिलते हैं तो उसे प्रभावित करने के लिए आपके पास लगभग 90 सेकंड का टाइम होता है। अगर आप इस सीमित टाइम के अंदर उस व्यक्ति को प्रभावित ना कर पाए तो यह बहुत कठिन है कि आप उसे आगे प्रभावित कर पाएंगे। सौभाग्य से 90 सेकंड के भीतर किसी को भी प्रभावित करना संभव है। आगे हम यही जानेंगे कि किस तरह हम किसी को भी 90 सेकंड्स के अंदर प्रभावित कर सकते हैं। पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज। अब आप यह जान चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ बिताए गए शुरुआती पल नए रिलेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके कुछ बोलने से पहले ही लोग आपके लिए इनिशियल अजम्पशंस बना लेते हैं। ऑथर बूथमैन के अनुसार लोग जो सबसे पहली चीज आप में नोटिस करते हैं वह है आपका शरीर, आपकी आंखें और आपके चेहरे के हाव भाव, और इन तीनों चीज़ों के लिए आपके अंदर एक ओपननेस की भावना का होना ज़रूरी है। सबसे पहले अपने शरीर से शुरुआत करें। किसी को भी प्रभावित करने के लिए सबसे पहले आपका शरीर सीधे सामने वाले व्यक्ति की दिशा में होना चाहिए। इसे पता चलता है कि आप सामने वाले में और उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं और आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं। इसके बाद सीधे उनकी आंखों में देखें। सीधे सामने वाले की आंखों में देखकर बात करना ट्रस्ट जगाने का एक शानदार तरीका है।
उसके बाद सामने वाले की तरफ देखते हुए हल्का सा स्माइल कीजिए। अपने अंदर की सारी पॉजिटिविटी को अपनी स्माइल में झलकने दें। इससे सामने वाले व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाएगा कि आप ईमानदार और खुले विचारों वाले इंसान हैं। जब आप इन तीनों प्रोसीजर से दूसरे व्यक्ति के मन में जगह बनानी शुरू कर देते हैं, तो इसके बाद आप सामने वाले व्यक्ति को अपना इंट्रोडक्शन दें। बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करें और एक मधुर आवाज़ में हाय या हेलो के साथ सामने वाले को ग्रीट करें। फिर उस व्यक्ति को अपना पहला नाम बताएं और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए एनकरेज करें। एक बार जब वो अपना नाम बता दे तो तुरंत आप उसके नाम को दोहराएं, ताकि यह एश्योर हो जाए कि उस व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। उसका नाम लेकर कहें, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद बात करते हुए सामने वाले की तरफ हल्का सा झुक जाएं, ताकि दूसरे व्यक्ति को पता चले कि आप उससे बात करने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल आप सामने वाले से हाथ मिलाते हुए भी कर सकते हैं। यू मस्ट डेवलप राइट एटीट्यूड। जब किसी के ऊपर अच्छा प्रभाव डालने की बात आती है, तो किसी मिलते जुलते इंटरेस्ट या हॉबी के बारे में बात करने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। जब बात किसी के ऊपर अच्छा प्रभाव डालने की हो, तो एक जैसा इंटरेस्ट हेल्पफुल होता है। जाहिर है कि हम लोग उन लोगों के साथ अच्छा तालमेल बना पाते हैं जो हमारे ही तरीके की किताबें पढ़ते हों या हमारी पसंदीदा स्पोर्ट्स टीम का सपोर्ट करते हों। पर जब दो लोगों में कोई समानता ना हो, तब आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में तालमेल बनाने के बहुत से तरीके हैं, जो कि हम आगे की समरी में जानेंगे। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसा तालमेल बनाने के लिए आपको ज़रूरत है एक सही एटीट्यूड की। यह समझना ज़रूरी है कि आपका एटीट्यूड उपयोगी है या फिर वह बेकार है। एक उपयोगी एटीट्यूड का मतलब है कि आप जानते हैं कि आप अपनी बातचीत से क्या रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, जबकि एक बेकार एटीट्यूड का मतलब है कि आपको नहीं पता कि आप अपनी बातचीत से क्या रिजल्ट चाहते हैं। अगर आप एक अच्छा और उपयोगी एटीट्यूड दिखाएंगे, तो अपने आप ही अपने हाव भाव से आप दूसरे व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं, जबकि एक बेकार एटीट्यूड आपके हाव भाव में एक नेगेटिविटी पैदा कर देगा जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आता। इसलिए अगर आप दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बनाना चाहते हैं, तो आपको एक उपयोगी और पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए। पर क्वेश्चन यह है कि आखिरकार आप ऐसा एटीट्यूड बना कैसे सकते हैं? एक पॉजिटिव एटीट्यूड इस बात से शुरू होता है कि आप यह तय करें कि आप अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच हो रही बातचीत से आखिर क्या रिजल्ट चाहते हैं। इसलिए जब आप किसी से बातचीत शुरू करें, तो आपको सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि आप क्या फाइनल रिजल्ट चाहते हैं, और साथ ही यह भी तय करना चाहिए कि उस फाइनल रिजल्ट तक स्किलफुली पहुंचने के लिए आपको कैसी अप्रोच की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप छुट्टियां मनाने के लिए घर जा रहे हैं और अपनी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ऐसे में यदि आपका एटीट्यूड बेकार है, तो आप इसी बात पर ध्यान देते रह जाएंगे कि आप एयरपोर्ट पर फंस गए। यह एक नेगेटिव एटीट्यूड है, जिसके चलते आप एयरलाइन के स्टाफ के ऊपर चिल्ला सकते हैं ताकि आपको तुरंत दूसरी फ्लाइट दी जाए। इसके विपरीत, अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाते हैं, तो आपका ध्यान इस पर होगा कि किसी तरह से आपको किसी प्रकार की मदद मिल जाए। आप यह सोचेंगे कि कौन सा व्यक्ति दूसरी फ्लाइट पकड़ने में आपकी मदद कर सकता है। आपके चीखने चिल्लाने से शायद आपको मदद ना मिले, परंतु आपके पॉजिटिव एटीट्यूड और हाव भाव से आपको मदद ज़रूर मिल सकती है। हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप अपनी बातचीत से एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं, तब आप अपने आप ही ऐसी बॉडी लैंग्वेज और मुस्कुराहट को अपना लेते हैं जिससे लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अडॉप्ट एन इम्प्रेसिव बॉडी लैंग्वेज। अभी तक आपने जाना कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक इम्प्रेसिव बॉडी लैंग्वेज की नींव है, परंतु इम्प्रेसिव बॉडी लैंग्वेज आखिर होता क्या है? ऑथर निकोलास बूथमैन के अनुसार बॉडी लैंग्वेज को दो प्रकार में बांटा जा सकता है, ओपन बॉडी लैंग्वेज और क्लोज बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज,
आपकी भावनाओं को प्रकट करता है, जो दूसरे व्यक्ति को यह संकेत देती है कि आप उनसे बातचीत करने के लिए केवल तैयार ही नहीं बल्कि उत्सुक भी हैं। जब दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ देखकर बातचीत शुरू करते हैं तो वह एक गहरा कनेक्शन बना लेते हैं और उनके बीच आपसी विश्वास बढ़ता है। क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज, निराशा, घबराहट या किसी तरह की बाधा का इशारा देते हुए भावनाओं को बचाने का काम करती है। हाथ बांधना एक बहुत ही आम तरीका है जिससे हम अपनी भावनाओं को बचाने का काम करते हैं। किसी व्यक्ति से बात करते टाइम दूसरी तरफ देखना या टेढ़ा घूमना भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज का एक सिग्नल है। ओपन बॉडी लैंग्वेज सिर्फ शरीर से ही रिलेटेड नहीं है, यह आपके चेहरे के हाव भाव से भी रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एक ओपन बॉडी लैंग्वेज वाला चेहरा मुस्कुराता हुआ, नजरें मिलाता हुआ और स्पष्ट भाव दिखाता हुआ होता है। वहीं एक क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज वाले चेहरे पर कठोर भाव होते हैं और व्यक्ति नजरें मिलाने से बचता है। UCLA साइकोलॉजी प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियन कम्युनिकेशन के रीजन में एक जानी मानी हस्ती हैं और उनके अनुसार व्यक्ति की रिलायबिलिटी तीन चीज़ों के तालमेल पर डिपेंड करती है, आवाज़, शब्द और दूसरे शब्दों में कहें तो आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं और आपका शरीर क्या सिग्नल दे रहे हैं। इन तीनों चीज़ों का तालमेल होना ज़रूरी है। द आर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग, दूसरों की नकल करना मनुष्य का एक साधारण स्वभाव है। असल में आपको यह एहसास भी नहीं होता कि आप जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से अपने आप को दूसरों के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे एक बच्चे का शरीर उसकी माता के साथ अपने आप एक तालमेल बना लेता है। तालमेल बनाने की यह आदत जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। जैसे कि एक व्यक्ति की कपड़ों की पसंद उसके लाइफ पार्टनर से प्रभावित होती है, पर ऐसा क्यों होता है? दरअसल अपने आप को दूसरों के अनुकूल बनाना पूरी तरह से नेचुरल है। जैसे कि यदि कोई आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता है तो आप भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, वैसे ही दूसरे व्यक्ति की उबासी देखकर आप भी उबासी लेने लगते हैं। यह तालमेल हमारे लाइफ का एक प्रमुख हिस्सा है और ख़ासतौर पर जब बात दूसरों के साथ रिलेशन बनाने की हो तो यह बहुत ज़रूरी है। आखिरकार हमें वही लोग पसंद आते हैं जिनसे हमारा अच्छा तालमेल बन जाता है और जो हमारे जैसे होते हैं। बहुत सारे रिसर्चेस से यह पता चला है कि हम लोग उन लोगों के साथ काम करना और घूमना पसंद करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं या फिर हमारे जैसे स्वभाव वाले होते हैं। पर जब बात किसी को आकर्षित करने की हो तब इस तालमेल का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप बड़ी सावधानी पूर्वक और बारीकी से दूसरे व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव, उनके बोलने के तरीके, उनके उठने बैठने के तरीके की नकल करने लगते हैं। तालमेल बनाना एक बहुत ज़रूरी टैलेंट भी है, विशेष रूप से सेल्स का काम करने वाले लोगों के लिए। सेल्स के लिए ज़रूरी है कि सेल्स पर्सन और क्लाइंट के बीच अच्छा तालमेल हो। मान लीजिए एक व्यक्ति चुपचाप और शांति से किसी आर्ट गैलरी की पेंटिंग्स को देख रहा है और इतने में एक एग्रेसिव तरीके से बोलने वाला सेल्स पर्सन उस व्यक्ति के पास जाकर उसका हाथ पकड़ वहां रखे पेंटिंग की तारीफ करने लगे तो ऐसे में वह व्यक्ति डर जाएगा और बिना पेंटिंग खरीदे ही वहां से चला जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर वह सेल्स पर्सन उस व्यक्ति के हाव भाव की नकल करते हुए शांति से उसके पास जाकर उसे पेंटिंग्स के बारे में बताए तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वह ग्राहक उस पेंटिंग को खरीद लेगा। आस्किंग द राइट क्वेश्चन एंड लिसनिंग केयरफुली। अब तक आपने यह सीख लिया है कि बातचीत करते समय कैसे आप दूसरे व्यक्ति को अपने हाव भाव और अपनी आवाज़ के जरिए खुश कर सकते हैं, पर इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी बातचीत के दौरान क्या बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप अपनी बातचीत को सही दिशा में कैसे ले जा सकते हैं। ऑथर निकोलस बूथमैन कहते हैं कि किसी भी बातचीत को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है सवाल पूछना। सवाल दो तरीके से हो सकते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो दूसरे व्यक्ति को बात करने के लिए बढ़ावा देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी होटल में हैं और किसी अनजान व्यक्ति से बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे में आप दूसरे व्यक्ति से कह सकते हैं कि यह एक अच्छा होटल है, आपको क्या लगता है कि यहाँ का शेफ कहाँ से होगा। ओपन सवालों के लिए आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सामने वाला व्यक्ति बातचीत का हिस्सा बन जाए।
जैसे कि कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि। इसके विपरीत क्लोज सवाल ऐसे सवाल होते हैं जिनका सिर्फ हाँ या ना में जवाब होता है। यह प्रश्न सामने वाले व्यक्ति को आपके बातचीत का हिस्सा नहीं बनाते। जैसे कि अगर आपने सामने वाले व्यक्ति से पूछा कि क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं, ऐसे में जवाब हाँ या ना ही हो सकता है। इसलिए यह बेहतर होता कि बातचीत बढ़ाने के लिए आप ओपन सवालों का प्रयोग करें। यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि सही सवाल पूछना ही काफ़ी नहीं होता। ज़रूरत होती है एक्टिव लिसनिंग की, जिसका अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति की कही गई बातों पर ध्यान दें और उन बातों में छिपे उस व्यक्ति की भावनाओं को भी समझें। ऐसा करने के लिए आपको अपने कानों के साथ अपनी आंखों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमेशा दूसरे व्यक्ति की तरफ देखकर उनकी बात सुननी चाहिए और जब आप उनकी बात से सहमत हों तो अपना सिर हिलाकर आपको अपनी सहमति व्यक्त करनी चाहिए। जब आप कोई बात कहना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए कि पहले दूसरे व्यक्ति की बात को ख़त्म होने दें और उसके बाद उत्सुकता के साथ अपना जवाब दें। स्पॉटिंग सेंसरी प्रेफरेंसेस। रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम नामक बातचीत करने की एक प्रोसेस के संस्थापक हैं। 1970 में उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि लोग अपने आसपास की दुनिया को विजुअल यानी देखकर, ऑडिटरी यानी सुनकर या काइनेस्थेटिक यानी मांसपेशियों की गतिविधि के जरिए ही महसूस करते हैं। हर व्यक्ति अपने लाइफ में इन तीनों में से किसी न किसी का उपयोग करता है, लेकिन इन तीनों में से एक चीज लाइफ टाइम व्यक्ति के नज़रिए पर प्रभाव डालती है, जिसे हम डोमिनेंट सेंस कहते हैं। जब आप यह जान जाते हैं कि तीनों में से कौन सी एक चीज़ आपकी बातचीत करने के तरीके में ज़्यादा पाई जाती है, तो दूसरे के साथ तालमेल बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। जो लोग ज़्यादातर विजुअल वाले होते हैं, वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि चीज़ें कैसी दिखती हैं और वे चित्रों में सोचते हैं। वह बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहनते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। ऑडिटरी वाले लोगों को बातचीत करना पसंद होता है। वह आराम से अपने आप को व्यक्त करते हुए बात करते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग वकील, टीचर या मीडिया में काम करने वाले होते हैं। वह शब्दों पर और आवाज़ पर बहुत ध्यान देते हैं। काइनेस्थेटिक पर ध्यान देने वाले लोगों को ठोस चीज़ें पसंद होती हैं जिन्हें वह महसूस कर सकते हैं। इनकी आवाज़ धीमी होती है और यह बहुत ही धीरे धीरे बात करते हैं। जब आप दूसरे व्यक्ति के डोमिनेंट सेंस के हिसाब से उनसे बात करते हैं तो वह व्यक्ति आपको और ज़्यादा पसंद करता है। जैसे कि शब्दों पर ध्यान देने वाले लोगों के साथ अगर आप स्पष्ट और अच्छी आवाज़ में बात करें, या काइनेस्थेटिक पर ध्यान देने वाले लोगों के साथ अगर आप इमोशनल तरीके से बात करेंगे, तो ऐसे लोग आपको ज़रूर पसंद करेंगे। अब बात आती है कि आप यह कैसे पता लगा सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति का डोमिनेंट सेंस क्या है। यह जानने के लिए आपको उस व्यक्ति की आंखों की ओर देखना होगा। यदि आप किसी से पूछते हैं कि उनकी छुट्टियां कैसी बीती, तो एक विजुअल व्यक्ति दाएं बाएं देखेगा, जैसे कि वह अपना जवाब देख रहा है। वहीं एक ऑडिटरी व्यक्ति दाएं बाएं अपने कानों की तरफ देखेगा और काइनेस्थेटिक व्यक्ति नीचे या अपने हाथ तरफ देखेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपको पता ना चले कि दूसरे व्यक्ति से कैसे बात करनी है, तो आपको उसकी आंखों में देखना चाहिए। ऐसा करने से आप यह समझ जाएंगे कि वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं और आप अपनी बातचीत को उनसे उसी अनुसार ढाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी ये कमेंट में बताइए, और अगली कौन सी बुक समरी चाहिए ये भी सजेस्ट करें। और दोस्तों, अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो Amazon से मंगवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।